would be a very grave constitutional violation committed by the Election Commission itself. So as a constitutional highest court, it is not our obligation to correct this very serious, grave constitutional violation, because it goes to the root of democratic principles enshrined in this constitution, and it has virtually disenfranchised all those who voted for that political party. This whole problem or issue is arising out of errors made by the Election Commission. Then surely it is the, or is it not, the duty of the court, the Supreme Court, to the extent that it is able to do that, to correct that error, to rectify the problem, and if there are alternate pathways available, legally available, to choose the one that results in the error being rectified. साबित हो चुका इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी इकदामात किए तो क्या उसे दुरुस्त न करें। जस्टिस अतर मेनल्ला की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स, कहा क्या अदालत आईनी इदारे की गैर आईनी तशरीह की तौसीक कर दे, आईन की बुनियाद ही जमहूरियत पर खड़ी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, असल मसला इलेक्शन कमीशन की गलती के सबब पेश आया, मुतबादिल तरीके मौजूद हैं तो दुरुस्तगी होनी चाहिए। मुतनासिब नुमाइंदगी का मतलब है कि अवामी नुमाइंदगी झलकनी चाहिए। क्या अवाम ने खुद इन लोगों को बतौर आज़ाद उम्मीदवार चुना? क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद इन लोगों को आज़ाद करार नहीं दिया? इलेक्शन कमीशन की गलती के नतीजे में बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों का आना बड़ा सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट को ये गलती सुधारनी नहीं चाहिए? क्या वो कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए जो इस गलती का अजाला करे? There is this one word, justice, and I'm going to erect an edifice on the basis of this one word. Then we might as well do away with the constitution, because we are now imposing our vision on the nation. We are imposing what the constitution says. Hang on, constitution makers, you didn't quite get it right. We know what justice is. We are imposing our will on parliament. That is not premise. That is, the orders have come before us. It has become obvious. You want to respond? We are ignoring the elephant in the room. जब कुछ ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। अदालत इंसाफ के तकाजों का नहीं, आईन और कानून का इतलाक करती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स, कहा नजरिए ज़रूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाजों का ही जिक्र है। जस्टिस अतहर मेनल्ला बोले, क्या आप चाहते हैं हम नजरिया ज़रूरत को दोबारा जिंदा कर दें? क्या कमरे में मौजूद हाथी को नज़रअंदाज किया जा सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, लोगों को इल्तिहा आज़ाद करार दिए गए उम्मीदवार पीटीआई के हैं, मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार और कहाँ इस्तेमाल करना है जब अदालत पूरी तस्वीर ही ना देख सके? क्या अदालत आंखें बंद कर ले? ये कोई ज़मीन के तनाज़े का केस नहीं जो सिर्फ अपील तक महदूद रहें। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। किसी पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं तो क्या वो बतौर सियासी जमात खत्म हो जाएगी? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार से मुतालिक केस में रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन को सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि लग रहा था सुप्रीम कोर्ट पीर तक केस निपटा देगी, शायद कुछ वक्त और लगेगा। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, फौरी रिहा किया जाए। अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले वर्किंग ग्रुप का मुतालबा, कहा बानी पीटीआई को आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए कैद में रखा गया। बानी पीटीआई तोशाखान और साइफर केस में बज़ाहिर कानूनी बुनियादों के बगैर हिरासत में है। लगता है कि सियासी मैदान से बाहर रखने के लिए सियासी केसेस बनाए गए। इंतखाबात के दिन दर्जनों पार्लिमानी नशिस्तें हथियाई गईं। मुनासिब हल ये है कि बानी पीटीआई को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए, गैर कानूनी कैद में रखने पर हर जाना भी अदा किया जाए। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और मुकदमा पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है।
अदालतों के जरिए आइन और कानून पर अमल होता है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का अकवाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्दअमल कहा। बानी पीटीआई को मुल्की आइन और कानून के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। कई मुकदमात में रिलीफ शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल का मजहर है। आइन कानून और आलमी उसूलों के मावरा मुतालबा अदल के मनाफी कहलाएगा। पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला हमारी तवज्जो का मरकज है। ज़ेर इल्तवा कांग्रेसी कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वद्यान पटेल का पाकिस्तान से मुतालिक करारदाद पर रद्दअमल। कहा, अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। इंतखाबी धांधली का मामला पाकिस्तानी शराकतदारों से उठाते रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान पर जोर देते हैं कि इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करे। इसमें इजहार राय की आज़ादी, पुरमन इज्तमा और मजहबी आज़ादी भी शामिल है। एक सवाल के जवाब में विद्यांत पटेल ने कहा कि बानी पीटीआई पर मुकदमा पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान और भारत को अपने मामला खुद तय करने हैं। इंतखाबी धांधली ने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया। जब तक हकदारों को पार्लियामेंट में बैठने नहीं दिया जाएगा, अदम इस्तेहकाम मजीद गहरा होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में इस्तेहकाम तब आएगा जब सही मानों में अवामी नुमाइंदे पार्लियामेंट में आएंगे। वज़ीर आज़म दो रोज़ा सरकारी दौरे पर ताजिकिस्तान रवाना। शहबाज शरीफ ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में इश्तराकी यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तला'आत अता तारण और मामले खुसूसी तारिक फातमी भी ताजिकिस्तान रवाना। ताजिक सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में इशाया देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल काजिकिस्तान रवाना होंगे। शंघाई ताबुन तंजीम और SCO प्लस के सरबराही इजलासों में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाइंग ग्राउंड खेलने का खतरा टल गया। पाकिस्तान ने आलमी रैंकिंग की बुनियाद पर बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया। भारत और श्रीलंका में शेड्यूल इवेंट के लिए 12 टीमों का ऐलान। जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, अमेरिका, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड शामिल। भारत और श्रीलंका को मेजबान होने की वजह से खेलने का हक दिया गया। पाकिस्तान और आयरलैंड को T20 रैंकिंग की वजह से शामिल किया गया। है या जो बातें हमारे ऊपर है इस टाइम, तो हम इसके हकदार हैं। ऐसे नहीं कि हम कहें कि नहीं ये सारे लोग गलत कह रहे हैं, क्योंकि हमारी रिजल्ट ही बात करती है। हम भी मायूस थे और हमारी कौम भी मायूस होगी हमसे, क्योंकि जिस तरह एक्सपेक्टेशन थे ये, क्योंकि जब किसी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है तो उस तरह दर्द भी ज़्यादा होता है। कौम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके, तनकीद जायज है। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, शिकस्त के बाद हम तनकीद के मुस्तहिक हैं। हार की एक वजह नहीं, बहुत सी कमजोरियां होती हैं। अफगान टीम तवक्कुआत से बढ़कर अच्छा खेली। कप्तान बाबर आजम है, मुस्तकबिल का इल्म नहीं। इस्लामाबाद की इलेक्शन पटिशन्स जल्द समाप्त के लिए मुकर्रर करने के मुतफर्रक दरख्वास्तें मंजूर। NS 47 और 48 में मबगिना धांधली के पटिशन्स पर समाप्त 8 जुलाई को होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज को तलब कर लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को भी तलब कर लिया। हिद्दत में निकाह के इसमें सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा दलाइल देते हुए बोले, मुफ्ती सईद ने कहा कि हिद्दत से मुतालिक औरत की बात हतमी है। मुफ्ती सईद और खैबर मानिका ने अदालत के सामने गलत बयानी की। पूरे रिकॉर्ड को सामने रखे तो जाहिर होता है कि सियासी केस बनाया गया। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने कहा कि अदालत ने हर सूरत 8 जुलाई तक केस खत्म करना है। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तायुनाती के लिए नामों पर गौर होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नचवी और जस्टिस आलिया नीलम के नाम शामिल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस शफी मोहम्मद सदीकी, जस्टिस नेमतुल्ला फुलभूटो और जस्टिस सलाहुद्दीन पनहुर के नाम पर गौर होगा। दोहा में पाकिस्तान और अफगान उमूरी हुकूमत के दरमियान बाज़ाब्ता राबता, अफगान कॉन्फ्रेंस में शरीक पाक अफगान वफूद की मुलाकात। पाकिस्तानी वफद की सरबराही आसिफ दुरानी और अफगान वफद की क़यादत ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने की। पाकिस्तानी सफीर ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बहुत कुछ मुश्तरक है, आम की ख्वाहिश दोनों तरफ मौजूद है। अफगान वफद ने कॉन्फ्रेंस में अफगान मौकिफ की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा कि ये बिजनेस फ्रेंडली बजट, मुझे पाकिस्तान में लाखों कंपनी है, एक कंपनी ले आए जो ये कह दे कि ये बिजनेस फ्रेंडली बजट है। जो मुल्क अपनी बरामदात पर टैक्स लगाना शुरू कर दे, पूरी दुनिया जिस पर इंसेंटिव देती है, जेब से पैसे देती है कि आप मुल्क में इंडस्ट्री लगाएं, एक्सपोर्ट करें, मुल्क के अवाम को रोजगार दें, उस पर पाकिस्तान टैक्स लगा रहा है और इतना टैक्स लगा रहा है कि आज यहाँ से एक्सपोर्ट करना ही मुश्किल हो जाएगा। किस किस अनोखे तरीके से आपने पाकिस्तान के अवाम को लूटने की कोशिश की है। हुकूमत नैब को खत्म करने का वादा करके इक्तदार में आई, ऑर्डिनेंस जारी करके नैब को मजीद मजबूत कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद, कहा बजट में सिर्फ अवाम पर टैक्स का बोझ डाला गया। मुल्क की कोई एक कंपनी बता दे कि यह बिजनेस फ्रेंडली बजट है, दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि टैक्स की अदायगी के लिए भी टैक्स लगाया गया हो। अनोखे तरीकों से अवाम का बोझ बढ़ाया जा रहा है। जो वजूद में आ गई वो सिर्फ अपनी उस नफरत की सियासत से अलहदा नहीं होंगे बल्कि अपनी सोच को भी तब्दील करेंगे। लेकिन इन्हें जब जहां मौका मिलता है ये साबित करते हैं कि आज भी पैरोकार उसी सियासत के हैं, उसी लीडर के हैं जिसने इस सूबे के अंदर लोगों में नफरतें पैदा की, मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले लोगों को लड़ाया आपस में और यह कत्तो गारतगरी करवाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता हुकूमत थी तो हमने मुलाजमतें देने का सिलसिला जो कानून में तरीका है उसके मुताबिक शुरू किया। जो कोटा सिस्टम है उसका आगाज किया था लियाकत अली खान ने, और क्यों किया था? ताकि बंगालियों को एक अच्छी नुमाइंदगी मिल सके सरकारी नौकरियों के अंदर। खालिद मकबूल सदीकी एक बार फिर नफरत की सियासत कर रहे हैं, उनको नफरत का सबक बानी एमकेएम ने पढ़ाया। ये हर बार साबित करते हैं कि इसी लीडर के पैरोकार हैं। वजीर बल्दिया सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध हुकूमत ने मुलाजमतें कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक दी, कोटा सिस्टम लियाकत अली खान लाए ताकि बंगालियों को मुलाजमतें मिल सकें जब भी सूबे में बेहतरी आने लगती है, एमकेएम जहर उगलने लगती है। मुल्क में बारिशों के बाद हाफ्स का राज, हवा में नमी बढ़ने से सांस लेने में दुश्वारी। खैबर पख्तूनख्वा में बादलों का राज, दीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। उधर बलूचिस्तान में कल से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई, ज्यारत खुजदार कल्लात लसबेला और जोब में बारिश का इम्कान। आवारान बारखान डेरा बुगटी और मकरान में भी बादल बरसेंगे। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल 17 रोज बाद खत्म, डॉक्टर्स का एहतजाजी कैंप खत्म, ओपीडी खुल गई, मरीजों का इलाज जारी। वजीर आला पंजाब के अहकाम पर डॉक्टर्स की मौतली पर हड़ताल की गई। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का 782वां उर्स, मुल्क भर से जायरीन की बड़ी तादाद की पाक पतन आमद का सिलसिला जारी। 15 रोजा उर्स के आगाज पर मुल्क कौम और फलस्तीन के लिए खुसूसी दुआ की गई। इसराइल की गजा पर वहशियाना हमले थम न सके, सहूनी फोर्सेज ने पनागजीन कैंपों पर हमले तेज कर दिए। 9 से रात पनागजीन कैंप पर बमबारी, फलस्तीनी बच्चा शहीद। खान यूनस के मशरकी इलाके में मकान पर हमला, एक फलस्तीनी शहीद, 6 जख्मी हो गए। दूसरी जानब इसराइली फोर्सेज का खान यूनस को फौरी तौर पर खाली करने का हुक्म,
बेघर फलस्तीनी आर्जी खैमा बस्तियाँ भी छोड़ने पर मजबूर। उधर गजा में इसराइली फौज और फलस्तीनी मजाहमती ग्रुपों में शदीद झड़पें, कई इसराइली फौजी मारे गए। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का पार्लियामेंट में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद। लोकसभा में अदम तशद्दुद और अमन की बात करते हुए खातिमुन नबीशीन का हवाला दिया। कहा दुनिया की तमाम अजीम हस्तियों ने अदम तशद्दुद और खौफ को खत्म करने की बात की और बताया कि डरना नहीं चाहिए। राहुल गांधी की बीजेपी समेत हिंदू इंतहा पसंद जमातों पर शदीद तनकीद। कहा बीजेपी के रहनुमा नफरत खौफ और तशद्दुद फैला रहे हैं, ये हिंदू नहीं है। बरतानिया के आम इंतखाबात का मेला 4 जुलाई को सजेगा। अवाम कंजर्वेटिव या लेबर पार्टी में से किसी एक को चुनेंगे। ऋषि सुनक और सर के स्टारमर में जोड़ पड़ेगा। जीत का इम्कान किस पार्टी का है और कौन सी जमातें हिस्सा ले रही हैं? खुसूसी रिपोर्ट इसी न्यूज बुलेटिन में देखिए। स्क्वाश के मैदान में पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। नासिर इकबाल ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाली बेंडिगो ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में नासिर इकबाल ने फ्रांस के मेटा कारुगेट को 3-0 से शिकस्त दी। £190 मिलियन रेफरेंस बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। रावलपिंडी की खसूसी एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत कबलज गिरफ्तारी मंजूर की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने मौकफ इख्तियार किया कि जब वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुए तो दरख्वास्त जमानत गैर मौसर है। इसी पर बात करेंगे। इमरान असगर हमारे साथ मौजूद है। जी इमरान असगर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, नायब अदालत के जज अली बुढ़ाइज ने आज बुशरा बीबी की जो जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त थी वो मंजूर कर ली है। बुशरा बीबी को जमानत कबल अज गिरफ्तारी मिल चुकी है, जबकि सलमान सफदर जो बुशरा बीबी के वकील हैं उन्होंने इस दरख्वास्त को जो है वो प्लीड किया। दूसरी जानिब सरदार मुजफ्फर अब्बासी जो एडिशनल डिप्टी प्रोसिक्यूटर है नैब के, उन्होंने इसमें दलाइल दी और उनका यही कहना था कि नैब इस दरख्वास्त के खिलाफ बिल्कुल आर्गूमेंट नहीं करेगी क्योंकि नैब के पास अरेस्ट वारंट ही नहीं है, यानी कि हम बुशरा बीबी को गिरफ्तार ही नहीं करना चाहते। तो जिसके ऊपर अदालत ने पहले फैसला रिजर्व किया और वक्फे के बाद जो है वो फैसला सुना दिया गया, लेकिन इस जमानत के बावजूद बुशरा बीबी जो है वो अडयाला जेल से रिहा नहीं हो सकती, क्योंकि इद्दत में निकाह केस में बुशरा बीबी 7 साल कैद जो है वो बानी पीटीआई के साथ जेल में काट रही है। लेकिन इस केस में £190 मिलियन में बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी जो है वो मंजूर कर ली गई है। बहुत शुक्रिया इमरान असगर।